स्टूडेंट माय नेम इज रिद्धि चौहान, आई एम योर आर्ट टीचर। आज हम लोग क्रेयॉन कलर करना सीखेंगे आपकी ड्राइंग बुक में। अगर हमारे पास स्केच कलर है और पेंसिल कलर है तो हम वो भी यूज कर सकते हैं। सो आज हम लोग पेज नंबर 6 में कलरिंग करना सीखेंगे। यहाँ पे इंस्ट्रक्शन क्या दिए हुए है, कलर द फ्लावर्स विथ प्राइमरी कलर। सो स्टूडेंट हम लोग फर्स्ट स्टैंडर्ड में सीखे थे प्राइमरी कलर और सेकेंडरी कलर। सो एक बार यहाँ पे और हम रिविजन कर लेते हैं कि प्राइमरी कलर क्या होते हैं और सेकेंडरी कलर क्या होते हैं। सो यहाँ पे प्राइमरी कलर में आएगा रेड कलर, ब्लू कलर और येलो कलर। सो फर्स्ट हम लोग यहाँ पे मार्किंग कर लेंगे जो भी कलर हमने यूज करने हैं वो ऐसे। सो हियर वी स्टार्ट दिस कलरिंग। हमें अच्छे से कलर करना है, कलर लाइन से बाहर नहीं जाने चाहिए। यहाँ पे स्टूडेंट थोड़ा सा ध्यान देना है क्योंकि यहाँ पे जो दो लाइन जॉइंट होती है इन बिटवीन थोड़ा सा कलर मैश हो जाता है, तो कलर मिक्सिंग होने के बाद कलर अच्छा नहीं लगता। तो यहाँ पे हमें ध्यान देना है, यहाँ से एकदम स्लिम लाइन बनानी है, एकदम थिन लाइन। फिर हमें अच्छे से कलर फिल कर देना है, कहीं पे भी जगह नहीं रहनी चाहिए। और ये क्रेयॉन कलर मेल्ट बहुत ज्यादा हो जाते हैं, तो ध्यान रहे कि आप आराम से करें और केयरफुली करें ताकि आपकी ड्राइंग अच्छी बने।
स्टूडेंट, यहाँ पे हमारा कलर ऑलमोस्ट डन हो चुका है और ये यहाँ पे ज्यादा लाइटिंग है इसलिए यहाँ पे डॉट डॉट दिख रहे हैं। एक्चुअली आप नजदीक से देखेंगे तो थोड़ा क्लियर दिखेगा। थैंक यू सो मच स्टूडेंट।